हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिग चैनल। सो आज मैं शेयर करने वाली हूँ अभियुक्त का नया ओटी का प्लान। जैसे कि अभियुक्त जो बेसिक ग्रॉस मोटर स्किल एक्टिविटी करता था, अब वो उसमें अच्छा हो गया है, तो हमने उसकी जो ओटी का प्लान है उसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दिया है। और उसमें हम लोग करवा रहे हैं बॉडी स्ट्रेंथनिंग एक्टिविटीज़, जिसमें बहुत ज़्यादा बच्चे को एफर्ट लगाने पड़ते हैं, तो हमें और बेटर रिजल्ट मिल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ हिज हाइपर एक्टिविटी, और बाकी की जो स्किल्स है वो भी इम्प्रूव हो रही है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, down. Yes. This is the first exercise जिसमें बच्चे को ब्रिज पोजीशन बनानी होती है और 10 काउंट तक होल्ड करना होता है। जैसे जैसे बच्चा अपना बॉडी वेट पिक करने लगता है, वो बाकी की चीज़ें भी करने लगेगा जो हम आगे आप देखेंगे एक्टिविटीज़ में। सो अभियुक्त भी स्टार्टिंग फेज में है, इसलिए मैं अभी आपको शेयर कर रही हूँ वीडियो, सो दैट आप देखो और आप भी स्टार्ट कर पाओ अपने बच्चे के साथ ये एक्टिविटीज़। पैर नीचे जमाना है, ये गिरा, ये है देखो गिरी, चलो उठाओ, ये रही। एक बार जैसे अभियुक्त ने बॉडी वेट उठाना सीख लिया है थोड़ा थोड़ा, तो हमने फिर ये मिड लाइन क्रॉसिंग एक्टिविटी स्टार्ट करी है, जिसमें बच्चे को रिंग एक साइड से लेके बैक से दूसरे साइड लेके जाना है और रिंग डालना है। सो इट इज़ ऑल्सो अ गुड एक्टिविटी। इसमें अभियुक्त का हाथों पे प्रेशर है और बॉडी वेट उसको पिक करना है विद लिटिल सपोर्ट, बट सून वो ये भी करने लगेगा। दिस इज थर्ड एक्टिविटी जिसमें बच्चे को हाथों पर नहीं अपने शोल्डर पे पूरा वेट पिक करना है और बॉडी लिफ्ट करनी है, और अगेन मिड लाइन क्रॉसिंग एक्टिविटी करनी है। एक हाथ से रिंग पास करके दूसरे हाथ से डालनी है, सेम आप दूसरे साइड से करा सकते हो, तो दोनों हाथ को कवर कर लेना। मैं निकालो नीचे से, अब करो, हाँ करो नीचे से, यस वेरी गुड, यस हाँ, उठा कर रखो, पुट करो, कर दो पुट, वेरी गुड, फिर से उठा कर रखो, लो रेड रिंग, रेड नीचे से, यस निकालो, हाँ निकालो और ऊपर उठाओ उसको, यस वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो क्रैब वॉक मुझे सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है, और मैम ने क्रैब वॉक करना अभियुक्त को सिखाना स्टार्ट कर दिया है। अभी उसको सपोर्ट लगता है बॉडी लिफ्ट करने में, तो इस तरीके से मैम उसको सपोर्ट देती हैं और फिर उससे करवाना ट्राई कर रही हैं, और फिर हमने लास्ट में उसको खुद से भी करने बोला है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि वो ट्राई कर रहा है करने का, और सून वो सीख जाएगा करना। अभियुक्त अभी नहीं कर पा रहा है, फिर भी मैं एक्टिविटी क्यों शेयर कर रही हूँ, बिकॉज मोस्टली मैंने देखा है जब बच्चे एक्टिविटीज़ कर लेते हैं और हम तब वीडियो शेयर करते हैं, तो लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं लगता है मदर्स को कि कैसे करना है ये एक्टिविटी। सो इस तरीके से आप देखिए, हम लोग स्टेप बाय स्टेप अभियुक्त को एक्टिविटीज़ कराते हैं, एंड ट्रस्ट मी थोड़े दिनों में वो अपने आप सीख लेता है सारी एक्टिविटीज़ करते करते। दिस इज़ फिफ्थ एक्टिविटी जिसमें अभियुक्त स्विंग पे क्रंचेस कर रहा है, और मैं कभी ये सोच भी नहीं सकती थी कि अभियुक्त ये एक्टिविटी कर पाएगा, बिकॉज ये एक्टिविटी किसी नॉर्मल बच्चे के लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट है। मैं कराटे क्लास में लेके जाती हूँ, वहाँ पे भी क्रंचेस होते हैं, ट्रस्ट में कोई नॉर्मल बच्चा भी 10 क्रंचेस से ज़्यादा नहीं कर पाता है अभी इस एज पे। सो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है, और अभियुक्त कर पा रहा है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इज़ अ न्यू एक्टिविटी जिसमें हमने डायरेक्शन इंक्लूड किया है। इसमें अभियुक्त को डायरेक्शन पॉइंट करके जंप करना है। सो अभियुक्त को डायरेक्शन पॉइंट करना तो आ गया है, बट इंस्टेंट जंप मोमेंट वो नहीं कर पा रहा है, उसके लिए अभी उसको फिजिकल प्रॉम्प्ट की ज़रूरत पड़ रही है। बट यस, हमने स्टार्ट कर दिया है, इसलिए मैं आपको शेयर कर रही हूँ। डायरेक्शन
टर्न होना है। साइड जंप करो, साइड तो अभियुक्त आज फुल मस्ती में था तो उसको बिल्कुल भी मूड नहीं था एक्टिविटी करने का। ऐसे ऐसे इस साइड, ओके तो साइड जंप, ऐसे हैंड इस साइड होना चाहिए, ऐसे चलो कैसे करिए मम्मा और मैं, चलो गर्ल ऐसे ये। सो दिस इज़ वन एक्टिविटी जो मुझे एक मॉम ने शेयर किया था फ्रॉम माई व्हाट्सएप ग्रुप, और मुझे ये एक्टिविटी बहुत ही अच्छी लगी थी तो हमने इसको टायर पर करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी रखा हुआ था, और ये भी बहुत ही अच्छी कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी है। एंड दिस इज़ द मेमोरी एक्टिविटी जो हमने स्टार्ट करी है, इसमें अभियुक्त को ऑब्जेक्ट दिखा के मैम हाइड कर देती है एंड फिर उसको रिकॉल करना होता है कि वो उसने कौन कौन से ऑब्जेक्ट देखे थे। तो ये थी अभियुक्त की न्यू ओटी एक्टिविटीज़ जो हमने उसके प्लान में इंक्लूड करी हैं। बाकी की जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं जो अभियुक्त अच्छे से कर लेता है वो आपको प्लान वन और प्लान टू में मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैं कमेंट में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।